हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी बहुत बहुत बड़ी अपडेट आ रही है FTX एक्सचेंज को लेकर। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब बेयर मार्केट आती है तो उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। आपने FTX एक्सचेंज देखा, इसी के साथ लूना क्लासिक देखा, उसके क्या हाल चल रहे हैं अभी भी, उनका जो स्टेबल कॉइन था USDC उसके भी क्या हाल चल रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हो। लेकिन इसका मतलब उल्टा भी है कि जब भी बुल मार्केट आती है तो वही प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल खत्म हो चुके थे एक समय पे, वो अब रिवाइव होना शुरू हो चुके हैं। आपको मैंने पिछले मरे 5 एक्सचेंज टोकन्स वाले वीडियोस में बताया था कि FTX एक्सचेंज का जो FTT टोकन है इसको आप बाय करके रखो। अगर आपको $3.50 के आसपास मिल जाता है, इवन $4 से नीचे भी मिल जाता है, तो आपके लिए बेस्ट एसेट प्रूव होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीजन आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, क्योंकि FTX प्लान कर रहा है कि अपनी बैंक्रप्सी को एंड करने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा और डीप में समझेंगे, क्या ये वापस FTX एक्सचेंज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बैंक्रप्सी एंड करना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ क्रेडिटर्स के साथ जो भी कस्टमर से जो FTX को यूज़ करते थे उनको पैसा वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो का भी इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉटेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, क्रिप्टो को लेकर कोई भी डाउट है, डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आइए, वॉल्वेड डिस्कशन नाम से ग्रुप है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के दिन अगर आप FTX.com खोलोगे तो FTX एक्सचेंज तो नहीं खुलेगा, बल्कि वहां पे यहां सारी डिटेल दी होगी कि बैंक्रप्सी फाइल करी गई है, क्या क्या चल रहा है मार्केट में FTX को लेकर, FTX क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, कस्टमर्स को कितना पे करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ी चीज, इस वक्त जो कस्टमर्स को पे करने वाला अमाउंट है ये $1.4 बिलियन है। इसी के साथ अगर हम बैंक्रप्सी फी की बात करें तो $1.45 बिलियन बन चुकी है। यानी कि यहाँ पे जो FTX एक्सचेंज है डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा फीस पे करता है लॉयर्स एंड जो लॉ एजेंसीज है उनको। आप यकीन नहीं करोगे, $53,000 पर आवर का पे किया जा रहा था एज ए बैंक्रप्सी फी, जो कि लीगल एंड एडवाइजरी फीस दी जा रही थी, जिसको अगर हम पर डे के हिसाब से देखें तो 24 घंटे में $1.3 मिलियन की फीस पे करते आए हैं अगस्त महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक। तो इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने रेगुलर बेसिस पर पे किया है। अब यहाँ पे आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर कोई भी कंपनी इतनी बड़ी फीस पे कर रही है और वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑलरेडी बन चुकी है, इतना ज़्यादा ये लगातार पे करते आ रहे हैं, और इन्होंने बड़ी कंपनीज को जिनको फीस पे करी है उनमें से $35.8 मिलियन इन्होंने एलवराज एंड मार्शल को दिया, इसी के साथ $31.8 मिलियन इन्होंने सुलिवन एंड क्रॉमवेल को दिया, और $13.3 मिलियन ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म को दिया, $10.4 मिलियन एक और कंपनी उनको दिया, फिर ऐसी और कंपनीज हैं जिनको इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा दे छुड़ा है, जो कि लगभग टोटल काउंट करें तो $1.4 बिलियन बन चुका है। तो मेरा मानना यह कि अगर इतनी ज़्यादा फी पे करी जा रही है तो यहाँ पे FTX फॉर श्योर ये भी प्लान कर रहा है कि बैंक्रप्सी ही सिर्फ एंड नहीं करनी, बल्कि इसी के साथ साथ एक कमबैक भी करना है मार्केट में। और इसी के साथ एक और चीज़ यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे इतना पैसा अगर कंपनी पे कर रही है, वो पैसा आ कहाँ से रहे? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो बेयर मार्केट आती है तो कंपनीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब बुल मार्केट आती है तो कंपनीज वहाँ से फिर से क्या कि रिवाइव होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि उनके पास फिर से पैसा आना शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है ये भी थोड़ा सा डीपली आइए समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जब BTC $17,000 के आसपास था तब बैंक्रप्सी फाइल करेगी नहीं। आज के समय में अगर हम BTC की वैल्यू देखें तो लगभग $41,000-$42,000 के आसपास चल रहे हैं। तो इतना ज्यादा पैसा आ रहा है तभी कंपनी के पास इतना पैसा है और ये अपनी फी पे कर पा रहे हैं और बैंक्रप्सी को हटाने वाले हैं, यानी कि बैंक्रप्सी को बिल्कुल ही एंड करने वाले हैं। November 30 की बात है, यानी कि आज से 18 दिन पहले FTX को अप्रूवल मिला था कि वो $873 मिलियन का एक लॉट सेंड किया इन्होंने, जो कि क्रिप्टो करेंसीज में था। इन्होंने अपने ट्रस्ट एसेट्स को सेल किया ताकि अपनी जो फीस है उसको पे कर पाएं, और ये धीरे धीरे चलते चलते यही आज कारण है कि आज FTX अपनी बैंक्रप्सी को एंड कर रहा है और 2.0 के ऊपर आके खड़ा है, यानी कि 2.0 की प्लानिंग भी कर रहा है। अब इसी के साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि और भी ज़्यादा इनके सोर्सेज रहे हैं। इन्होंने सोलाना बाय किया हुआ था या फिर इनके पास जो पहले था वो $1.1 बिलियन का था, आज सोलाना की वैल्यू बढ़ने की वजह से वो $4 बिलियन से भी ऊपर उसकी वैल्यू पहुँच चुकी है, क्योंकि FTX के पास टोटल 55.8 मिलियन सोलाना टोकन्स हैं। कहने का मतलब है कि FTX के पास जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं वो अगर उन्होंने उस समय पे बाय किया हुआ था जो कि बेयर मार्केट में किया था, तो वो आज वही बहुत बड़े एसेट्स प्रूव करके अभी मौका दे रहे हैं FTX को अपनी बैंक्रप्सी खत्म करके फिर से एक्सचेंज को दोबारा रन करने का। तो यहाँ पे पूरी प्लानिंग यही है FTX की कि जितने भी इनके कस्टमर्स हैं उनका जितना भी बिलियंस ऑफ डॉलर बनता है वो भी पे कर देंगे, और जितनी ये फी है वो पे कर देंगे, और इसी के साथ साथ ये अपने एक्सचेंज को वापस फिर से रन करने वाले हैं।
हालांकि इसके ऊपर कोई क्लियर न्यूज नहीं आई है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग ऑलरेडी चल रही है, यानी कि कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो कि यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम करेंगे, जिससे क्या है कि रीऑर्गेनाइजेशन करी जाएगी ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट का बैलेंस बना रहे। तो अगर इस तरीके से कोई भी एक्सचेंज खत्म होकर फिर वापस आती है तो यहाँ पे सिर्फ हमारे क्रिप्टो यूजर्स जो रिटेल यूजर्स हैं जिनमें हम आते हैं, वही नहीं बल्कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनका भी एक बार फिर से विश्वास बनेगा कि क्रिप्टो करेंसी कभी भी एक बैलून नहीं था बल्कि ये रियल एसेट्स हैं जिनकी वजह से ही आज FTX वापस आ पा रहा है। यही चीज मैंने आपको लूना क्लासिक के बारे में बताई थी, इवन USDC के बारे में बताई थी, तो वो भी हम रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स आपको देते ही रहते हैं। और इस महीने में FTT ने भी ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था एंड यहाँ पे बिल्कुल सही समय चल रहा है। अगर आप यहाँ पे FTT को बाय कर लेते हैं और इसको होल्ड करते हैं तो जैसे रिवाइव होगा FTX एक्सचेंज तो इसमें बहुत बड़ा बूम आने वाला है। हालांकि ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स हैं जिनमें हमें बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले कौन कौन से बताए थे, जिसमें BNB था, FTT था, HT था, इसी के साथ साथ MX था जो कि MX एक्सचेंज का है। आज मैं आपको दो तीन और कॉइन्स बता रहा हूँ जिनमें लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बेस्ट टोकन जो मुझे इस वक्त लग रहा है वो बिटकैट का टोकन है BGB के नाम से, जो आधे डॉलर के आसपास चल रहा है। अगर आपको ये एक सही प्राइस में बाय करने का मौका मिल जाता है तो इसमें जरूर बाइंग करें। तो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आने की वजह से क्या कि BNB की वैल्यू नीचे गई है, तो BNB में भी आप होल्डिंग सभी बना सकते हैं, बिल्कुल सही मौका है। एक और चीज आपको बताई थी कि HT टोकन जो है HTX एक्सचेंज का, जिसके पीछे जस्टिन सन का हाथ है, तो हो सकता है कि वो HT टोकन भी हमें बड़ा प्रॉफिट दे। एक और बड़ी चीज इसी के साथ जो रिलेटेड है वो मैंने आपको बताया था कि जस्टिन सन अगर HTX एक्सचेंज को रन कर सकते हैं तो वो ट्रॉन को आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल के दिन एक वीडियो दिया था ट्रॉन को लेकर, तो उसमें क्या कि अगर आप ट्रॉन्स डालते हो HTX एक्सचेंज के ऊपर, वही ट्रॉन्स को आप स्टेक कर सकते हो प्राइम पूल में, जिसमें अभी ARKM कॉइंस मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ गाला का म्यूजिक कॉइन भी मिल रहा है जो कि आप स्टे करके फ्री में अर्न कर सकते हैं। तो वो भी आप जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हॉबी एक्सचेंज HTX एक्सचेंज अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो अभी से साइन अप कर लीजिए और वहाँ पे अपने ट्रॉन्स जितने भी पड़े आपके उनको स्टे कीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्राइम पूल्स आते रहते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे TRX ही यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस के ऊपर हम BNB स्टे करते हैं या फिर FTST कॉइन स्टे करते हैं, ऐसे कॉइन्स को स्टे करके हमें वहाँ पे फ्री में कॉइन्स मिलते हैं जो कि स्टेकिंग के द्वारा मिलते हैं। सिमिलरली HTX एक्सचेंज के ऊपर हमें TRX स्टे करके ऊपर हम माइनिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर अर्न कर सकते हैं। अब एक और चीज समझो कि यहाँ पे जो हॉबी ग्लोबल है, पहले हॉबी ग्लोबल का नाम था, अभी इसको HTX बनाया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने एनी हाउ हॉबी TX यहाँ पे TRX से ही इन्होंने बनाया ताकि किसी ना किसी तरीके से ट्रॉन का लिंक हॉबी के साथ बन जाए, और इस चीज को इन्होंने सक्सेसफुली कर भी लिया है। तो यही था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने यहाँ पे FTT की बात करी एंड टॉप एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स की बात करी। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा। उम्मीद है आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।